अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हुज़ैफ़ा गार्डनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और दोस्तों, ये देख सकते हो आप, मेरे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और लगातार बारिश हो ही रही है। देख सकते हो पूरा छत गीला है और मैं इसी बारिश में वीडियो शूट कर रही हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ सिर्फ़ एक लाइक कर दिया करो और जितना हो सके ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। जो लोग आपकी तरह गार्डनर है ना दोस्तों, उन लोगों को इस तरह से आइडिया भी हो जाता है किस तरह से प्लांट्स लगाते हैं, किस तरह से पौधे की केयर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, मैं आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे हार्डी पौधे आपसे शेयर करने वाली हूँ, जिनको अगर आप इन पौधों को अगर अपने गार्डन में ऐड करते हो ना, जैसे अगर आप हफ्ते दिन 10 दिन के लिए कहीं बाहर भी चले जाते हो, तो इस तरह के पौधे को पानी नहीं भी मिलता है तो इन पौधों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह के प्लांट्स मैं आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो बिगनर, जो लोग बिगनर हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आज की ये वीडियो। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे जो पौधा है ना, इसे बोलते हैं एडेनियम। एडेनियम बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये इसका कोडेक्स है और पानी इसके कोडेक्स में फिल होता है, जमा होता है। तो इसी वजह से इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह के पौधे को ना आप 10 से 12 दिन भी पानी नहीं दोगे ना, तो ये इजीली सर्वाइव करता रहता है, कोई दिक्कत नहीं करता है ये पौधा। तो इस तरह के पौधे अगर मिल जाए ना, तो ज़रूर से अपने गार्डन में ऐड कर लीजिएगा। और विंटर में ना इसको बहुत पानी की कम ज़रूरत होती है। इसको ना 15 दिन 20 दिन में भी अगर आप विंटर में पानी देते हो ना, तब भी बहुत अच्छे से ये चलता रहता है। इस तरह के पौधे को ना दोस्तों, कम्प्लीटली इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए ना, तभी इसको वाटरिंग करें, क्योंकि इसके कोडेक्स में पानी फिल होता है, जमा होता है। तो ये पौधा ना ज़्यादा ओवर वाटरिंग करने से मर भी जाता है। प्राइस की अगर बात करूँ ना, तो ये पौधा आपको 150 रुपये से इसका स्टार्टिंग प्राइस है। जिस तरह की अगर वैरायटी आप लेते हो, उस तरह आपको प्राइस भी पड़ जाएगा। और प्राइस अगर जितना बड़ा आप पौधा लेते हो, हाइट के ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है, तो कितना बड़ा आप पौधा लेते हो उसी हिसाब से इसका प्राइस भी रहता है। और किस तरह की वैरायटी लेते हो, इस हिसाब से भी आप इसका प्राइस आपको नर्सरी पे देखने को मिल जाएगा। कलर्स की बात करूँ तो बहुत सारे कलर्स में ये मिल जाता है, तो आप देख लेना नर्सरी पे। नेक्स्ट नंबर पे जो प्लांट है ना, इसे बोलते हैं स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है दोस्तों। इसको भी ना कई कई दिन आप पानी नहीं दोगे, फिर भी ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है, ये पौधा मरता नहीं है। और इसको जहाँ भी आप उठा के रख दो, बहुत अच्छे से सर्वाइव करता रहता है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं करता। चाहे बेडरूम में रखो या जहाँ पे भी आप इसको रख दो, वहाँ पे ये अच्छे से इजीली सर्वाइव कर जाता है। इसको हफ्ते 10 दिन में भी पानी दोगे, कोई दिक्कत नहीं करता है दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया प्लांट है, हार्डी प्लांट है, एक अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट भी है। अगर इस तरह के पौधे अगर आप रूम में रखते हो तो बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है। और ये पौधा भी अगर प्राइस की बात करूँ तो 100 रुपीज़ के आसपास नर्सरीज़ पे देखने को ये वैरायटी आपको मिल जाएगी। और इस तरह की वैरायटी अगर आप लेते हो, ये थोड़ी कॉस्टली वैरायटी है, 200-250 रुपये से आपको इसका प्राइस स्टार्ट होता है। और इस तरह की वैरायटी लेते हो, 50-60 रुपये के आसपास ये वैरायटी आपको मिल जाएगी देखने को। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, इस पौधे को भी मिल जाए तो ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्लांट है ये जेड प्लांट। जेड प्लांट भी बहुत ही बढ़िया प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है दोस्तों। इस पौधे को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती। इसकी मिट्टी कम्प्लीटली ड्राई हो जाना, फिर आप इसको वाटरिंग कर दो, बहुत खुश रहता है। कहीं आप बाहर जा रहे हो ना हफ्ते दिन के लिए भी, इसको पानी नहीं दोगे, बहुत अच्छे से चल जाएगा। सिर्फ आपको कहीं ऐसी जगह में आपको शिफ्ट कर देना है जहाँ इसको थोड़ी बहुत सनलाइट मिलती रहे। डायरेक्ट धूप में इस तरह के पौधे को आप रख के चले जाओगे, फिर तो पानी की ज़रूरत डेफिनेटली होगी। तो इस तरह से इस पौधे को भी आप अगर मिल जाए तो ऐड कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्लांट है। प्राइस रेंज की आपको अगर बात करूँ ना, तो 100 रुपीज़ के आसपास ये पौधा आपको नर्सरीज पे देखने को मिल जाएगा। कटिंग से इजीली प्रोपोगेट हो जाता है। मेरा जो आप ये पौधा देख रहे हो, इसको मैं कुछ बोनसाई वाला लुक देने वाली हूँ। मैं कुछ इस तरह से इसको बना रही हूँ, ये बोनसाई टाइप। तो ये मेरा कटिंग से ही लगा हुआ पौधा है, मैंने इसे तो ढेरों प्लांट तैयार कर लिया कटिंग से, तो इसकी कटिंग बहुत ईजिली लग जाती है। नर्सरी से एक पौधा आप ले आइएगा, फिर हज़ारों पौधे आप इससे भी तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे जो
पौधा मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, उससे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने कुछ ट्रे गार्डन बनाया है और ये जो मैंने लुक क्रिएट किया है ना, ये कुछ पार्क वाला लुक मैंने क्रिएट किया है। तो ये आप देख सकते हो, ये कुछ टेबल है, बेंच है, ये कुछ मैंने देखे मिली बग बना दिया, ये कुछ इस तरह से मैंने पानी वानी का लुक दिया है। यहाँ पर मैंने ये स्पाइडर प्लांट, ये देख सकते हो, ये मेरे एडेनियम के ये दो प्लांट्स रखे हुए हैं। यहाँ पर ये कुछ मैंने बच्चे को लगा दिया है। यहाँ पे ये देख सकते हो, ये एक झोपड़ी मैंने इस तरह से लगाया है, कुछ पत्थर यहाँ पे लगा दिए। तो नेक्स्ट नंबर पे जो पौधा है ना दोस्तों, इसे बोलते हैं पोनीटेल पाम। ये देख सकते हो, ये पोनीटेल पाम बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। और ये देखें दोस्तों, ये इसका मैं दिखा दूँ, ये इसका कोडेक्स है और इसमें पानी फिल होता है, पानी जमा होता है। तो इस तरह के पौधे अगर मिल जाए ना तो ज़रूर से ले आइएगा। इस पौधे को पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही बढ़िया प्लांट है। इसको मैंने अभी ऐड किया, नया नया ऐड किया, 10-12 दिन पहले ये पौधा मेरे पास नहीं था। और मैं जो कुछ ये इस तरह से मिनिएचर गार्डन बनाने मुझे बनाना था, तो ये पौधे मुझे लगाने थे, छोटे छोटे प्लांट्स मैं ढूंढ रही थी, तो ये पौधा मैं लेकर आई हूँ। और प्राइस की अगर बात करूँ ना, तो इतना बड़ा अगर आप पौधा लेते हो ना, तो 150 रुपये से इतना बड़ा जो कोडेक्स मिलेगा ना आपको, छोटा कोडेक्स 150 रुपये से स्टार्ट होता है इसका प्राइस। फिर जितना बड़ा आप इसका कोडेक्स रहेगा, प्राइस उतना हो जाता है। तो कोडेक्स के ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है, और जितना बड़ा प्लांट लेते हो हाइट के ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, हार्डी प्लांट है। इस पौधे को भी आप ले आइएगा अगर मिल जाए तो। नेक्स्ट नंबर पे जो प्लांट है ना, इसे बोलते हैं डेविल्स बैकबोन। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। वैरायटीज़ की अगर इसमें बात करूँ ना, तो बहुत सारी वैरायटीज़ आपको नर्सरी पे देखने को मिल जाएगी डेविल्स बैकबोन की। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, इसकी वेरीगेटेड वाली भी वैरायटी नर्सरी पर देखने को मिलती है दोस्तों। तो इस पौधे को भी ले आइएगा। अगर आप प्लांट्स लगाते हो ना, तो अगर आपको कहीं जाना होता है ना दोस्तों, सबसे पहले आप सोचते हो कि कहीं हमारा प्लांट मर ना जाए, तो इस तरह के आप पौधे लगाओगे ना, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर आराम से आप कहीं भी 10 दिन के लिए अगर जाते हो, वहाँ आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इस तरह के पौधे लगा दोगे, 10 दिन में इसमें पानी देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये जो पौधे हैं ना, इस तरह के जो बिगनर है ना, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया प्लांट है। 100 रुपीज़ के आसपास इस तरह की वैरायटीज़ अगर ये वाली लेते हो ना, तो आपको नर्सरीज़ पे देखने को मिल जाएंगी। और कटिंग से बहुत ईजिली लग जाता है। ये मेरा जो पौधा आप देख रहे हो ना, ये मेरा कटिंग से ही लगा हुआ प्लांट है। तो ये पौधे अगर आपको नर्सरी पर मिल जाए ना, तो ज़रूर से ले आइएगा। नेक्स्ट नंबर पे जो पौधा है ना, इसे बोलते हैं अगेव। ये देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होता है। इसमें फ्लावरिंग भी होती है, पर 10-12 साल बाद जाकर इसमें फ्लावरिंग होती है दोस्तों। और जब एक बार इसमें फूल आ जाते हैं ना, तो फिर जब जैसे फूल आते हैं, उसके बाद ये पौधा मर जाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है। साइड से इसके बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, उन बेबी प्लांट्स को डिवाइड करके आप ढेरों प्लांट भी तैयार कर सकते हो। वैरायटीज़ की अगर बात करूँ ना, तो इसकी वेरीगेटेड वाली भी वैरायटी आपको नर्सरी पर मिलती है। इस तरह की अगर वैरायटी अगर आप नर्सरी से लेते हो ना, तो 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाती है। इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे कांटे होते हैं। अगर इस तरह के पौधे आप लगाते हो, तो कैंची की मदद से, सीज़र की मदद से आपको इस तरह से काटते रहना है इसको। कहीं आप अगर इस तरह के पौधे लगाते हो, खाद वगैरह देते हो, कहीं इसके कांटे लग ना जाए इस वजह से, तो ये बहुत हार्डी प्लांट है। इसको भी 10-12 दिन में पानी दोगे, बहुत अच्छे से खुश रहता है, कोई दिक्कत नहीं करता है। तो अगर मिल जाए ना, तो इस पौधे को भी ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर पे जो पौधा है ना, इसे बोलते हैं यूफोर्बिया मिली। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, बहुत ही अच्छा प्लांट है दोस्तों, हार्डी प्लांट है। और ये 12 महीने फ्लावरिंग करता रहता है। अभी देख सकते हो, विंटर सीजन चल रहा है, फिर भी मेरे पौधे पर देख सकते हो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग चल रही है। इसकी 2 तरह की वैराइटीज़ मिलती है। एक तो ये मिनिएचर वाली वैराइटी है, जिसकी पत्तियाँ छोटी रहती हैं, देख सकते हो, फूल का साइज़ भी छोटा रहता है। और ये एक वैरायटी, इसकी पत्तियाँ चौड़ी होती है, फूल का साइज़ भी बड़ा बड़ा होता है, इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती है। अगर आप ये पौधे लगाते हो ना, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आपके गार्डन को बना देगा। और प्राइस रेंज की अगर बात करूँ ना, तो ये अगर आप ये इस तरह से पौधा अगर लाते हो ना, दोनों वैराइटीज़ का जो प्राइस होता है ना, सेम ही होता है, तो लाते हो ना, तो आपको 100 रुपीज़ के आसपास ये पौधा आपको देखने को मिल जाएगा नर्सरी पे। बहुत ही सुंदर पौधा है, हर कलर में आपको देखने को मिलेगा। इसको भी गर्मी में भी पानी की कम ही ज़रूरत होती है, 3-4 दिन में ही इसमें पानी दीजिए,
फिर ये ज़्यादा पानी से पौधा मरने लगता है, ख़राब होने लगता है। विंटर में तो बहुत ही कम पानी दीजिए, विंटर में तो आप 10-12 दिन में भी पानी देंगे तो इस पौधे को चलेगा। तो ये पौधा भी अगर आपको कहीं से मिल जाए नर्सरी पे तो ज़रूर से ले आइएगा। नेक्स्ट नंबर पे जो पौधा है ना, इसे बोलते हैं चंपा या प्लूमेरिया। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट होता है समर का। इसमें गर्मी में फ्लावरिंग होती है, भर भर के गर्मी में फ्लावरिंग होती है दोस्तों, तो भर भर के फ्लावरिंग होती है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। डोरमेंसी मतलब ये पौधा ठंडी में कुछ दिनों के लिए ये सो जाता है। थोड़ी बहुत इसकी पत्तियाँ पीली होकर गिरने लगती हैं, पर यह पौधा मरता नहीं है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर आप बिगनर हैं ना तो ये पौधे लाकर अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया प्लांट है। ये कम से कम पानी दोगे, बिल्कुल भी हार्डी प्लांट है, मरता नहीं है दोस्तों। तो इस पौधे को ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। प्राइस की अगर बात करूँ ना तो 100 रुपीज़ के आसपास ये देखने को आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। बहुत सारे कलर्स में मिल जाएगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है दोस्तों। अगर मिल जाए ना तो ज़रूर से नर्सरी से ले आइएगा। नेक्स्ट नंबर पे जो पौधा है ना, इसे बोलते हैं अरीका पाम। अरीका पाम भी बहुत ही अच्छा पौधा होता है, बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। तो इस पौधे को भी ले आइएगा। बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको कम ही पानी की ज़रूरत होती है। इसको ज़्यादा पानी देने से तो ये पौधा मर जाता है, ख़राब होने लगता है। तो ये इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसको भी ना गर्मी में आप 4-5 दिन में भी पानी देते हो ना तो ये पौधा चलता रहता है अच्छे से। ठंडी में तो आप इसको कम ही पानी दें, 10-12 दिन में पानी दें, फिर ये पौधा अच्छे से चलता रहता है। बहुत ही बढ़िया पौधा है। प्राइस की अगर बात करूँ ना तो ये पौधा 150 रुपये के आसपास नर्सरी पे मिल जाता है। पौधा हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, कितना बड़ा आप पौधा लेते हो, और एरिया के ऊपर भी प्राइस डिपेंड करता है। हर एरिया का प्राइस भी अलग अलग होता है। तो ये भी अरीका पाम भी बहुत ही बढ़िया पौधा है। इस पौधे को भी ज़रूर ले आइएगा अगर मिल जाए तो। इस तरह के पौधे तो और भी बहुत सारे हैं दोस्तों, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने कोशिश की है कि छोटी वीडियो बनाऊं। और ये जो आप पौधा देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं स्वीट पोटैटो वाइन। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, देख सकते हो बहुत अच्छे से मेरे यहाँ चल रहा है। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कुछ भी नया वीडियो डालूँ, मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिले और मेरी सारी वीडियोज़ आप देख पाओ। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर से मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो आपकी तरह गार्डनर हैं, अगर शेयर करोगे ना तो उनको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से प्लांट की देखभाल करते हैं। फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। हैप्पी गार्डनिंग।